तारीख है 24 मार्च 2020। पिछले 3-4 महीनों से पूरी दुनिया ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसने एक महामारी का रूप ले लिया है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक की। मेरा नाम है सुभान मंसूरी और आप देख रहे हैं दिस वीक। फर्स्ट केस यानी पहला मरीज, ये आज भी एक रहस्य है कि चाइना में फर्स्ट केस कब पाई गई। इसके कुछ अलग अलग थ्योरीज है और रिसर्च है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार पहली ओरिजिनल कोरोना वायरस की केस चाइना में हुबेई प्रांत के वुहान सिटी में 17 नवंबर के दिन दर्ज की गई, 17 नवंबर 2019 को। पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म नहीं की जा सकी, बट वह एक 55 साल का बुजुर्ग था। और एक खबर के अनुसार चाइना के इंडिपेंडेंट इन्फेक्शियस डिसीज रिसर्च टीम ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने किसी वीचैट यूजर की चैटिंग का हवाला देते हुए कहा कि ऑफिशियल केस दर्ज होने के कुछ हफ्ते पहले से ही नोवेल कोरोना वायरस के सिम्टम की जानकारी लोग साझा कर रहे थे। उसी बीच हांगकांग सेंट्रल हेल्थ मेडिकल प्रैक्टिस के एक डॉक्टर ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से इंटरव्यू में कहा कि यह एक जांच का विषय है, हम ये कभी पता नहीं कर पाएंगे कि कोविड-19 की फर्स्ट केस वुहान सिटी से थी या नहीं, इसका फैलाव कहां से शुरू हुआ और ना कि इसकी तारीख। पर यह जरूरी था कि फर्स्ट केस जिसे पेशेंट जीरो कहा गया सही तरीके से आइडेंटिफाई हो ताकि इस नई बीमारी का उगम और फैलाव का पता किया जा सके। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो चाइनीज हेल्थ अथॉरिटीज ने WHO को 31 दिसंबर 2019 को पेशेंट जीरो की रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि उन्होंने कोरोना वायरस फैमिली से जुड़ी एक नई बीमारी कोविड-19 की खोज कर ली है और इसके एक हफ्ते बाद यानी 8 दिसंबर को इस बीमारी के पॉजिटिव सिम्टम का पेशेंट वुहान में दर्ज किया गया। सिम्टम्स कोरोना वायरस डिसीज यानी कोविड-19 ये एक रिस्पिरेटरी इलनेस है, मतलब श्वसन संबंधी रोग जो मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स बिल्कुल फ्लू की तरह है। शुरुआती लक्षणों की बात करें तो ये है कुछ कॉमन बातें, कफ यानी खास तौर पर सूखी खांसी, फीवर यानी बुखार जैसे कि हर वायरल इन्फेक्शन में होता है, फटीग यानी थकान आम दिनों से थोड़ी अलग। इंडिपेंडेंट स्टडीज ने यह भी आइडेंटिफाई किया है कि कुछ पेशेंट्स को टेस्ट और स्मेल लॉस भी हो सकता है और यह टेम्पररी होगा इन्फेक्शन रहने तक। उसी तरह प्रोग्रेशन स्टेप में यानी इन्फेक्शन हो जाने के कुछ दिनों बाद ये हो सकते हैं इमरजेंसी वार्निंग साइंस, जैसे कि ट्रबल इन ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में परेशानी होना, परसिस्टेंट पेन एंड प्रेशर इन द चेस्ट मतलब सीने में एक समान दर्द और दबाव का महसूस होना, कंफ्यूजन यानी भ्रम की स्थिति पैदा होना, ब्लूइश लिप्स और फेस होंठ और चेहरे का नीला पड़ जाना। वैसे तो ये सभी सिम्टम्स सिर्फ कोरोना वायरस के नहीं है, पर इनमें से आपको कुछ भी चिंताजनक लगे तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले। हु इज एट रिस्क, किसे हो सकता है कोरोना वायरस डिसीज। WHO की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस डिसीज किसी खास एज ग्रुप के लिए बाउंडेड नहीं है, पर दुनिया भर में केसेस ऑब्जर्व करने के बाद हम कह सकते हैं कि इन खास लोगों को बचना चाहिए, जैसे कि ओल्डर एडल्ट्स यानी बूढ़े लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो, पीपल हु आर सिक एंड हैविंग अंडरलाइंग डिसीज यानी ऐसे लोग जो पहले से बीमार हैं, चाहे उन्हें डायबिटीज हो, एस्थमा हो, हार्ट डिसीज हो, लंग डिसीज हो, किडनी डिसीज हो या फिर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी। उसी तरह ट्रैवलर यानी सफर करने वाले लोग, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मतलब डॉक्टर्स, नर्सेस और पूरा मेडिकल स्टाफ जो पेशेंट की देखभाल में लगा है
ये सभी लोग हायर रिस्क में आते हैं। हाउ कोविड 19 स्प्रेड्स, कैसे फैलता है कोरोना वायरस डिसीज। कोरोना वायरस के फैलाव का प्रमुख कारण है पर्सन टू पर्सन स्प्रेड, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक। कोरोना वायरस आमतौर पे एक इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टेक्ट में आने से फैलता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, छींकता है, तो उससे निकलने वाले थूक और सलाइवा के छींटे किसी स्वस्थ व्यक्ति के मुंह में, नाक में और लंग्स में यानी फेफड़ों में जाए तो स्वस्थ इंसान भी कोरोना वायरस की चपेट में आ सकता है। उसी तरह कोरोना वायरस के फैलाव का दूसरा कारण है स्प्रेड फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ कंटेमिनेटेड सर्फेसेस, यानी कोई स्वस्थ इंसान ऐसी दूषित चीजों को छू ले जिस पर पहले से ही वायरस है और बाद में उन्हीं हाथों को अपने मुंह पर, आंख पर या नाक पर छुए तो उसे भी यह डिसीज हो सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है पर उसमें अभी तक कोई सिम्टम नहीं है, वह भी दूसरे स्वस्थ लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, खुद कैसे बचे। जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस से आए, किसी चीजों को छुए, खांसे या फिर छींके, तो तुरंत अपने हाथों को साबुन और पानी से धोए कम से कम 20 सेकंड्स के लिए। अगर किसी वजह से साबुन और पानी नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कम से कम 60% तक अल्कोहल होना चाहिए। दूसरा, आप ऐसे लोगों के संपर्क से बचे जो पहले से ही बीमार है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अगर आप बीमार नहीं है तो मास्क इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, पर आप जब भी किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाएं तो मास्क जरूर पहनें। पेशेंट के मिलने के बाद जितने जल्दी हो सके अपने हाथ साबुन और पानी से धोए। उसी तरह गंदे हाथों से अपने मुंह, आंख और चेहरे को ना छुए। हाउ टू प्रोटेक्ट फैमिली एंड अदर, अपने परिवार और दूसरों को कैसे बचाएं। पहली बात, अगर आप बीमार हो तो घर पर ही रहे, तभी बाहर निकले जब आपको अस्पताल जाना हो। अगर आप बीमार हो तो मास्क जरूर पहने। अगर मास्क ना हो तो खांसते और छींकते वक्त अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे, इस्तेमाल किए गए मास्क और टिश्यू सुरक्षित जगह फेंकना ना भूले। किसी को भी बिना मास्क को मिलने के लिए ना बुलाए और ना किसी से मिलने जाए। घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखें। रोज छुई जाने वाली चीजें जैसे कि दरवाजे का हैंडल, टेबल, इलेक्ट्रिक स्विचेस, फोन्स, डेस्क, टॉयलेट और सिंक आदि को जरूर साफ रखें। उसके लिए आप साबुन और डिटर्जेंट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के फर्श को डिसइंफेक्टेंट से दिन भर में कम से कम एक बार साफ जरूर करें। क्योर यानी इलाज, अभी तक जब ये वीडियो बन रहा है इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, ना ही कोई टीका यानी वैक्सीन और ना ही कोई प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाई। तो इसका मतलब इस बीमारी से प्रभावी तरीके से बचने का बस एक ही रास्ता है, इन्फेक्टेड लोगों से और पब्लिक प्लेस से दूर रहना और अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना। डर को हावी ना होने दे और ना ही किसी को डराए। दुनिया भर में कोरोना वायरस डिसीज की केसेस को ऑब्जर्व करके पता चला है कि लगभग 80% लोग जिनकी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी है, जो सेहतमंद है, वह रिकवर हो जाते हैं। पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो आप रिस्क ले। ध्यान रहे, कोविड 19 एक युद्ध जैसा है और आप स्वस्थ होने के बाद भी युद्ध की निशानियां आपके साथ हमेशा रहेगी, मतलब रिकवर करने के बाद भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो सकती है। करंट सिचुएशन यानी ताजा हालात, आज के दिन यानी 24 मार्च 2020 को दुनिया भर में 3,34,981 कोरोना वायरस डिसीज के संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से
लगभग 14,652 मौतें हो चुकी है। दुनिया भर के लगभग 190 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं और भारत की बात करें तो 434 लोग विभिन्न प्रदेशों से संक्रमित हैं और 9 मौतें हो चुकी है। हेल्थ केयर कैपेसिटी ऑफ इंडिया, भारत के आरोग्य विभाग की क्षमता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस यानी CBHI के अनुसार भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 13,76,013 बेड्स है, जिनमें जनरल और ICU इंक्लूडेड है, और यह सभी बेड्स कुल 35,416 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है। और आबादी के हिसाब से एवरेज 880 लोगों के लिए एक बेड अवेलेबल है। उसी तरह डॉक्टर पॉपुलेशन के आंकड़ों के अनुसार भारत में 600,000 रजिस्टर्ड फिजिशियन है और डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशो 60:1 तक है। WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से आइडियल डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो होना चाहिए 1:1,000 तक, पर भारत में वह है 1:2,000 तक। भारत सरकार इमरजेंसी में हेल्थ केयर कैपेसिटी बढ़ाने में सक्षम है, पर मेडिकल संस्थानों पर दबाव ना रहे तो बेहतर होगा। इकोनॉमिकल इंपैक्ट यानी आर्थिक नुकसान। ब्लूमबर्ग पत्रिका के रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का यानी 20,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अगर GDP की बात करें, मेजर इकोनॉमीज जो चाइना से भी पुराने हैं, जैसे कि साउथ कोरिया, इटली, जापान, फ्रांस और जर्मनी स्लो डाउन हो सकते हैं, वो भी लगभग 2.3% की एवरेज से। इसमें GDP की गिरती दर दुनिया भर के देशों को अपने चपेट में ले सकती है। यह अनुमान 2020 तक का है, पर अगर यह सिचुएशन 2020 के मध्य तक चलती रहे तो 2021 तक भी इसका असर देखने को मिल सकता है और यह वैश्विक मंदी होगी, जिसमें साधारणतः 3% की गिरावट आने वाले 2 सालों में हो सकती है। इससे भारत को भी नुकसान होगा। भारत जिसकी GDP पहले से ही बुरे दौर से गुजर रही है, उसमें और 1% की गिरावट भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दुनिया भर के शेयर और कमोडिटी मार्केट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की गिरावट ने इसकी स्थिति मानो जैसे पहले से ही स्पष्ट कर दी है। वैसे तो भारत के वित्त मंत्रालय ने आज कुछ संगठित और असंगठित क्षेत्रों को राहत पैकेज देने की घोषणा की है, जिससे हम गिरती GDP को कुछ राहत पहुंचा सकते हैं। यह एक अलग विषय होगा जिस पर एक पूरा वीडियो बन सकता है और हम इस पर आने वाले दिनों में जरूर बात करेंगे। यकीन मानिए, दुनिया भर के सरकारों के लिए यह एक सबक होगा कि आने वाले सालों में ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे तैयार रहे। कंक्लूजन यानी अनुमान। अगर इसी तरह इन्फेक्शन का रेट रहे तो भारत में मई के आखिर तक लगभग 30,000 डेथ हो सकती है और 15,00,000 कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। यह बस एक अनुमान है, आंकड़े और भी भयावह हो सकते हैं अगर इसे रोका ना जाए। दुनिया भर की सरकारें इस पे खास ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। अलग अलग संस्थाएं इसका प्रभावी इलाज और टीका ढूंढने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया लॉकडाउन है। हमारा कर्तव्य है कि हम सरकारों के बनाए नियमों का पालन करें ताकि हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव ना बढ़े। आप भी सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।